नमस्कार, मैं हूं शाहिद खान। आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। कोरोना वायरस की वजह से शुरू हुई वैश्विक महामारी के चलते हिंदुस्तान में भी 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है। इस लॉकडाउन के कारण गरीब तबके के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे लोगों की रोजी रोटी की समस्या को दूर करने के लिए कई समाजसेवी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता आगे आकर देश में आए इस संकट की घड़ी में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। झांसी जनपद के खैलार में गुरुवार को क्षेत्र पंचायत सदस्य खैलार राजेश तिवारी ने चौकी इंचार्ज भेल अजमेर सिंह भदौरिया को साथ में लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए गरीब बस्तियों में जाकर पात्र परिवारों को भोजन सामग्री वितरित की। इस दौरान उनके साथ जीतू शर्मा, संजू तिवारी, रवि शर्मा आदि मौजूद रहे। इस पर इन समाजसेवियों द्वारा जरूरतमंदों को चिन्हित कर घर घर जाकर जरूरत का सामान वितरित किया गया। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल भेल आरा मशीन झांसी द्वारा निरंतर समाज सेवा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्य नर सेवा नारायण सेवा के तहत किए जा रहे हैं। इस समय जब देश गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है और हजारों गरीब मेहनत कर श्रमिकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल भेल के पदाधिकारी राकेश शर्मा, अरविंद तिवारी खैलार, काजू महाराज, महेंद्र गुप्ता, राकेश गुप्ता, हर्ष राजपूत निरंतर ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की तलाश करके उनकी सेवा में लगे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति कम से कम भूखा ना सोए इसके लिए लगातार घर घर जाकर राहत सामग्री राशन आटा दाल चावल तेल मसाले आदि की निःशुल्क आपूर्ति की जा रही है। तो वहीं तैयार खाद्य सामग्री सब्जी पूड़ी चावल आदि का भी वितरण किया जा रहा है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए खैलार से नासिर हुसैन की रिपोर्ट।